हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट एमसीओ 6 के एक और इंपॉर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक को, व्हिच आई हैव चोजन फ्रॉम यूनिट नंबर 7। दिस इज द पार्ट 1 एंड जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बेसिकली होगा डिफरेंस बिटवीन और डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो सर्विसेज होती हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो जिन स्टूडेंट्स को भी इन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में डाउट है, और एग्जाम में अगर ये आपका क्वेश्चन एटलीस्ट 10 मार्क्स में आता है, तो आपको कैसे लिखना है अपना आंसर, आई विल बी गिविंग यू मेनी पॉइंट्स व्हिच विल हेल्प यू टू गेन गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, जिससे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको समझ में आए। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन द आंसर इन अ वेरी ल्यूसिड मैनर, जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो और अपना आंसर फ्रेम करते टाइम पे लिखने में भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो मिशन हमारा याद रखिएगा, विच इज 70% और मोर इन द अपकमिंग एग्जाम्स, वी हैव टू वर्क फॉर दैट। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिस पर मैं आपका इंपॉर्टेंट पीडीएफ देता रहता हूँ, साथ ही साथ में आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके जितने भी सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट अपलोडेड हैं पीडीएफ उनकी, तो प्लीज उनको भी देख लीजिएगा, जो कि काफी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन में। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो आपको हेल्प करे, अच्छी लगे, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड पे अटेंशन टू ऑल द पॉइंट्स व्हिच आई हैव डिस्कस्ड। तो गाइज, ये है हमारी फर्स्ट स्लाइड, जहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं वो बेसिस जिसके यू नो थ्रू हम जानेंगे डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बीच में डिफरेंसेस जानेंगे और 8 बेसिस डिस्कस करेंगे। पहला बेसिस होगा मीनिंग, जानेंगे दोनों का मीनिंग क्या होता है, फिर कुछ एग्जांपल्स नोटिस करेंगे, फिर जानेंगे टेंजिबिलिटी के फीचर के थ्रू कि क्या डिफरेंस होता है प्रोडक्ट में और क्या डिफरेंस होता है सर्विसेज में। नेक्स्ट हमारा जो बेसिस होगा वो होगा होमोजेनिटी एंड कंसिस्टेंसी। फिफ्थ हमारा बेसिस होगा इनसेपरेबिलिटी। नेक्स्ट इज पेरिशेबिलिटी। सेवेंथ इज द क्वालिटी कंपैरिजन। और लास्ट हमारा जो बेसिस रहेगा डिफरेंस का वो है वैल्यू पर्सपेक्टिव। तो ये 8 पॉइंट्स हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। इनके जो हेडिंग्स हैं उनको आप याद कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर मैं इस पर्टिकुलर वीडियो की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप एग्जाम टाइम पे रिवीजन कर सके उसके थ्रू। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होगा, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम पर आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं प्रूडेंट क्लासेस के नाम से। ठीक है, और इसके अलावा मेरा आप इंस्टा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी मैं अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर देता रहता हूँ। तो गाइज, सबसे पहला जो हमारा बेसिस है मीनिंग, तो प्रोडक्ट का और सर्विसेज का दोनों का मीनिंग जान लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 1, जो कि है प्रोडक्ट से रिलेटेड। अ प्रोडक्ट इज अ टेंजिबल आइटम दैट इज प्रोवाइडेड इन द मार्केट फॉर एक्विजिशन, अटेंशन और कंजम्पशन। तो प्रोडक्ट क्या है, एक ऐसा टेंजिबल आइटम, टेंजिबल मतलब जिसको आप छू सकते हैं। तो कोई भी ऐसा टेंजिबल आइटम जो कि मार्केट में या तो आपका परचेज करने के लिए या आपके अटेंशन ग्रैब करने के लिए या कंजम्पशन के लिए प्रोवाइड किया जाता है, वो आपका प्रोडक्ट कहलाता है। सिंपल टर्म्स में आप कह सकते हो कि अ प्रोडक्ट इज एन ऑब्जेक्ट, अ डिवाइस और अ टेंजिबल थिंग। तो सिंपल डेफिनेशन है प्रोडक्ट की, क्या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी डिवाइस या कोई भी टेंजिबल थिंग जिसको आप छू सकते हो, ठीक है, कंज्यूम कर सकते हो, वो आपकी क्या होती है, प्रोडक्ट होती है। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट की बात करें कि सर्विसेज क्या होती हैं, तो अ सर्विस इज एन इनटेंजिबल आइटम और ट्रांजैक्शन इन विच देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ फिजिकल गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर। तो सर्विस जो होती हैं वो होती हैं हमारी टेंजिबल आइटम। तो कोई भी टेंजिबल आइटम जो होगा वो हमारा सर्विस होगा बेसिकली, और या फिर आप बोल सकते हो कि सर्विसेज में ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जिसमें सेलर और बायर के बीच में कोई भी फिजिकल गुड एक्सचेंज नहीं होती। ओके, तो सर्विस क्या है, एक ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें कोई भी फिजिकल गुड्स सेलर और बायर के बीच में ट्रांसफर नहीं होती। आपकी क्या है बेसिकली, कोई भी डीड, कोई भी परफॉर्मेंस या कोई भी एफर्ट होगा जो कि एक दूसरे के थ्रू, सेलर या बायर के थ्रू एक्सचेंज किया जाएगा। ओके, तो सिंपल डेफिनेशन आप सर्विस की देख सकते हैं, अ सर्विस इज अ डीड, अ परफॉर्मेंस और एन एफर्ट। ऑन द अदर हैंड, अ प्रोडक्ट इज एन ऑब्जेक्ट, अ डिवाइस और अ टेंजिबल थिंग। तो प्रोडक्ट हमारे टेंजिबल आइटम्स होते हैं, सर्विस हमारी इनटेंजिबल आइटम्स होती हैं। ओके,
तो आई एम श्योर कि पहला पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेसिस नंबर टू जो कि है एग्जांपल्स. तो प्रोडक्ट के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है? जैसे कि टीवी हो गया, कार, वॉशिंग मशीन, बुक्स, कंप्यूटर्स, फर्नीचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो कोई भी ऐसा आइटम जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, फील कर सकते हो, वो आपकी क्या है बेसिकली प्रोडक्ट, ठीक है? ये कुछ एग्जांपल्स मैंने मेंशन किए. आप चाहें तो और एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं. टीवी, कार, वॉशिंग मशीन, बुक्स, कंप्यूटर्स, फर्नीचर एक्सेट्रा. नाउ सर्विसेज की बात करेंगे तो सर्विसेज के जो एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप मान लीजिए आपने कोई टीवी परचेज किया, अब टीवी में कोई दिक्कत आ गई तो उसको रिपेयर कराने के लिए आपने मैकेनिक बुलाया, तो मैकेनिक जो आपको सर्विस देगा, रिपेयरिंग सर्विस देगा, वो एक सर्विस है बेसिकली. जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये भी क्या है, आई एम टीचिंग यू, तो एक सर्विस है बेसिकली. ट्यूशन हो गया या कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस आपने अवेल किया, वो भी सर्विस में काउंट होती है. किसी होटल में जाके आपने स्टे किया या किसी रेस्टोरेंट में जाके आपने खाना खाया, वो भी आपकी क्या है, एक सर्विस है. आपने मान लीजिए रेल के थ्रू ट्रैवल किया या फिर एयरलाइन के थ्रू ट्रैवल किया, तो उनकी जो सर्विसेज थी वो भी आपकी सर्विसेज में आती हैं. बैंक्स के थ्रू आप जो लेते हैं इंश्योरेंस कंपनीज, पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप जो यू नो सर्विसेज अवेल करते हैं, वो भी एग्जांपल्स होती हैं सर्विसेज के, ठीक है? तो बैंक्स आपको जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है वो भी सर्विस में काउंट होती है. इंश्योरेंस कंपनीज आपकी जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं वो भी एक तरह से सर्विस है. आप कहीं से जाके लोन लेते हैं तो वो भी एक क्या है, फाइनेंशियल सर्विस है. तो ये सारे सर्विसेज के एग्जाम्पल होते हैं. सो आई एम श्योर कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेसिस नंबर थ्री. बेसिस नंबर थ्री में हम जानेंगे टेंजिबिलिटी के बारे में. तो प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट्स आर टेंजिबल इन नेचर, देयरफॉर दे कैन बी सीन, फेल्ट, टच्ड एंड स्मेल्ड. ओके, तो प्रोडक्ट क्या होते हैं, टेंजिबल नेचर में होते हैं, इसीलिए उनको आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, टच कर सकते हो और स्मेल कर सकते हो. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफरेंस का, और इसको याद रखिएगा. प्रोडक्ट क्या होते हैं, टेंजिबल इन नेचर, और जो सर्विसेज होती हैं अगर हम बात करें तो सर्विसेज आर इंटेंजिबल इन नेचर, देयरफॉर दे कैन नॉट बी सीन, फेल्ट, टच और स्मेल्ड. तो सर्विसेज हमारी कैसी होती हैं, इंटेंजिबल होती हैं नेचर में, जिनको आप ना तो देख सकते हो, ना ही टच कर सकते हो, ना ही स्मेल कर सकते हो. फील समटाइम्स आप कर सकते हो, लेकिन वो जो फीलिंग होगी दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट. वो डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन. ओके, तो प्रोडक्ट हमारे टेंजिबल्स होते हैं और सर्विसेज हमारी इंटेंजिबल होती हैं नेचर. ओके, आई एम श्योर कि ये पॉइंट भी आपको समझ में आ चुका होगा. चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट बेसिस पर. तो बेसिस नंबर फोर है होमोजेनिटी एंड कंसिस्टेंसी. होमोजेनिटी का मतलब होता है कि एक ही क्वालिटी का होना, ठीक है, एक ही तरीके से आपका मतलब प्रोडक्ट का होना. और ये होमोजेनिटी जो फीचर होता है ये बेसिकली प्रोडक्ट के पास होता है. जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं किसी भी कंपनी का, तो आप कितने भी यूनिट्स परचेज कर ले वो क्या होंगे, सेम कैरेक्टराइस्टिक्स वाले होंगे. तो कोई भी ऐसा आइटम जो सेम कैरेक्टराइस्टिक पजेस करेगा वो आपका होमोजीनियस कहलाएगा, और जिनमें आपकी सेम कैरेक्टराइस्टिक्स नहीं होती वो हेट्रोजीनियस कहलाता है. तो प्रोडक्ट हमारे जो होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, और सर्विसेस हमारी होती हैं वो कैसी होती हैं, हेट्रोजीनियस, जिसको आपको ध्यान रखना है. तो इन केस ऑफ प्रोडक्ट्स होमोजेनिटी एंड कंसिस्टेंसी कैन बी अश्योर्ड. दिस मींस एनी टू प्रोडक्ट्स ऑफ द सेम नेम परचेज बाय एनी कस्टमर विल बी पजेसिंग द सेम क्वालिटी एंड फीचर्स. तो कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज कीजिए किसी भी कंपनी का, कितनी भी यूनिट परचेज कीजिए, आपको उसमें क्या मिलेगी, होमोजेनिटी मिलेगी, उसकी क्वालिटी में कंसिस्टेंसी मिलेगी. मान लीजिए आप पाले जी बिस्किट खाना चाहते हैं, तो आप चाहे दिल्ली में खाइए या फिर आप उत्तर प्रदेश में जाके खाइए या फिर जम्मू एंड कश्मीर में खाइए या हिमाचल में जाके खाइए, आपको क्वालिटी सेम मिलेगी. तो यही फीचर होता है इम्पॉर्टेंट जो कि एक प्रोडक्ट के पास होता है, उसमें होमोजेनिटी होती है और कंसिस्टेंसी अश्योर की जा सकती है. कोई भी दो प्रोडक्ट कोई भी खरीदे आपका सेम क्वालिटी होगी और उसके सेम फीचर्स होंगे. बट सर्विसेज की बात करें तो इन केस ऑफ सर्विसेज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अश्योर दी होमोजेनिटी एंड कंसिस्टेंसी. तो जो सर्विसेज के केस में हम आपकी होमोजेनिटी एंड कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर सकते. व्हाई डज इट हैपन, दिस हैपन्स बिकॉज द सर्विसेज आर मोस्टली प्रोवाइडेड बाय पीपल एंड देयर परफॉर्मेंस डिफर ऑन डेली और इवन आर्ली बेसिस. तो जो सर्विसेज होती हैं मोस्टली ह्यूमन बींग्स के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं, और ह्यूमन बींग्स की जो परफॉर्मेंस है वो आपकी डिफर करती है डिफरेंट टाइम फ्रेम.
आपका जो मूड है, आपकी जो परफॉर्मेंस है, हो सकता है डे स्टार्टिंग में काफी ज्यादा हो लेकिन डे एंड तक वो आपकी कम हो जाए। तो आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो ह्यूमन बींग्स की परफॉर्मेंस है, वो डिफर होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन देयर मूड एंड टाइमिंग। तो इसीलिए जो सर्विसेज होती हैं उनमें होमोजेनिटी या कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं की जा सकती। तो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं होमोजीनियस इन नेचर और सर्विसेज कैसी होती हैं हेटरोजीनियस इन नेचर। और कंसिस्टेंसी क्वालिटी में मेंटेन की जा सकती है प्रोडक्ट के, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन सर्विसेज। बहुत कोशिश की जाती है, कई सारे टेक्निक्स अप्लाई किए जाते हैं सर्विसेज को क्या करने के लिए, आपका कंसिस्टेंट रखने के लिए, बट हमेशा इससे 100% गारंटी नहीं ली जा सकती, बट प्रोडक्ट के केस में आपकी ये गारंटी ली जा सकती है। नाउ बात करेंगे नेक्स्ट बेसिस की, जो कि है इनसेपरेबिलिटी, यानी कि क्या हम सेपरेट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को, ठीक है, उसके प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से या कंजम्पशन से। क्या हम सर्विसेज के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, लेट्स टॉक अबाउट। तो प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, तो इन केस ऑफ प्रोडक्ट्स देयर इज नो साइमल्टेनियस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। अ प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड कैन बी यूज्ड एट एनी प्लेस एंड एनी पॉइंट ऑफ टाइम बाय द कंज्यूमर। तो जो प्रोडक्ट्स हैं आपके, उनमें साइमल्टेनियस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन रिक्वायर्ड नहीं होता। आई रिपीट, प्रोडक्ट्स में साइमल्टेनियस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन रिक्वायर्ड नहीं होता। कोई भी प्रोडक्ट आपके वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में बनाया जा सकता है और उसको किसी भी प्लेस पर ले जाकर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर एक कंज्यूमर क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। आई रिपीट, एक प्रोडक्ट किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में आपका प्रोड्यूस किया जा सकता है और किसी भी वर्ल्ड के पार्ट या फिर पॉइंट ऑफ टाइम पर कंज्यूमर के थ्रू यूज किया जा सकता है। बट सर्विसेज की अगर हम बात करें, तो इन केस ऑफ सर्विसेज देयर इज साइमल्टेनियस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो सर्विसेज के केस में आपका साइमल्टेनियस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन होता है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। इन केस ऑफ अ रेस्टोरेंट सर्विस, द कस्टमर प्लेसेस द ऑर्डर एंड द सर्विस इज कंप्लीटेड वंस द ऑर्डर इज सर्व एंड द कस्टमर पेड फॉर द सर्विस। तो आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर आता है आपके पास, खाना खाते हैं, तो जो वेटर ने आपको सर्विस प्रोवाइड करी या फिर जो होटल ओनर था उसने जो सर्विस प्रोवाइड करी, जैसे ही आपने खाना खाया, बिल पे किया, वो आपकी सर्विस क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। क्या आप उसको कहीं घर पर ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते। आप फूड को पैक करा के जरूर ले जा सकते हैं, लेकिन जो होटल में आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है, वो आप कहीं नहीं ले जा सकते। वो वहां पे आपको डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, अवेल करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सर्विसेज के केस में साइमल्टेनियस प्रोडक्शन होता है, कंजम्पशन होता है, और उसको आप क्या नहीं कर सकते, मतलब बाद में यूज नहीं कर सकते। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ओके, नाउ बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी मतलब कि एक चीज क्या आप फ्यूचर में यूज कर सकते हो, क्या वो खराब हो जाती है अगर आप उसको ज्यादा देर तक यूज नहीं करते। तो ये जो फीचर है ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो प्रोडक्ट के केस में बात करें, तो प्रोडक्ट्स हमारे मोस्टली कैसे होते हैं, नॉन पेरिशेबल इन नेचर। दिस मीन्स दे कैन बी सेव्ड और स्टोर फॉर लेटर यूज। तो प्रोडक्ट्स जो हैं वो नॉन पेरिशेबल होते हैं नेचर में, उनको आप सेव कर सकते हो फ्यूचर के लिए या स्टोर कर सकते हो फ्यूचर के लिए। बट अगर हम सर्विसेज की बात करें, तो सर्विसेज जो होती हैं पेरिशेबल होती हैं नेचर। दिस मीन्स दे कैन नॉट बी सेव्ड और स्टोर्ड फॉर लेटर यूज। तो आपकी जो सर्विसेज हैं उनको आप ना तो सेव कर सकते हो ना स्टोर कर सकते हो लेटर यूज के लिए। इवन अगर मैं ये आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ, अगर मैंने आपकी ये लाइव स्ट्रीमिंग करी और इसको कहीं रिकॉर्ड ना करूँ, तो आपकी ये जो वीडियो है इसकी सर्विस जैसे ही मैं लाइव स्ट्रीमिंग खत्म करूंगा आपकी फिनिश हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको एक प्रोडक्ट के थ्रू, यानी कि आपका कहीं डाउनलोड करके रख दूं, तो वो एक तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, जैसे कि अब ये प्रोडक्ट्स हैं आपके, देख सकते हैं पेरिशेबल इन नेचर है, आप इनको स्टोर करके रख सकते हैं। हाँ, एक इनकी लिमिटेड शेल्फ लाइफ होती है जो आपको ध्यान रखनी है। लेकिन सर्विसेज के केस में अगर मान लीजिए आप कहीं पर हेयर कटिंग कराने गए और आपके बाल जो हैं ज्यादा काट दिए गए, ठीक है, तो क्या उनको वापस लाया जा सकता है? नहीं लाया जा सकता। तो ये चीज ध्यान रखिए कि सर्विसेज एक बार आपने अवेल करी, फिर चाहे वो आपको अच्छी तरीके से प्रोवाइड की गई है या बुरे तरीके से, आप उनको रिस्टोर नहीं कर सकते, उनको सेव नहीं किया जा सकता, ठीक है। एक बार आप किसी बाबा के यहाँ पे गए, आपने हेयर कट कराया, बहुत अच्छा हेयर कट मिला, तो ऐसा नहीं है कि आपको सेम हेयर कट आगे भी मिल जाएगा। हो सकता है अगली बार उसका मूड अच्छा ना हो और आपका हेयर कट बिल्कुल बेकार हो जाए,
तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, जो सर्विसेज होती हैं वो कैसी होती हैं, पेरिशेबल इन नेचर, और प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, नॉन पेरिशेबल इन नेचर। नाउ सेवेंथ पॉइंट जो है हमारे डिफरेंस का, वो है आपका क्वालिटी कंपैरिजन। तो इन केस ऑफ प्रोडक्ट्स क्वालिटी कैन बी कंपेयर्ड सिंस देर आर फिजिकल फीचर्स दैट कैन बी हेल्प। तो प्रोडक्ट के केस में हम क्या कर सकते हैं, क्वालिटी को कंपेयर कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था अपने एक बेसिस में, कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके फीचर्स एंड बेनिफिट्स को हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, बेसिकली होमोजेनिटी का फीचर होता है, कंसिस्टेंसी होती है, इसीलिए क्वालिटी जो है प्रोडक्ट्स की कंपेयर की जा सकती है उनके फीचर्स के थ्रू। बट सर्विसेज के केस में आपका ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो सर्विसेज हैं वो डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू रेंडर की जाती हैं, इसीलिए क्वालिटी कैन नॉट बी कंपेयर ड्यू टू लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल फीचर। तो फिजिकल फीचर्स की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से जो क्वालिटी है सर्विसेज की, वो इजिली कंपेयर नहीं की जा सकती। अब दो अलग इंडिविजुअल्स हैं, उनकी थिंकिंग अलग, काम करने का तरीका अलग, तो आप 100% सेम सर्विस अवेल नहीं कर सकते। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज वैल्यू पर्सपेक्टिव। तो वैल्यू पर्सपेक्टिव की बात करें प्रोडक्ट के केस में, तो इन केस ऑफ प्रोडक्ट द वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम यूजिंग इट बाय द कस्टमर। प्रोडक्ट्स वैल्यू कैन बी टेकन और क्रिएटेड बाय द फाइनल यूजर ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के केस में जो वैल्यू है वो कस्टमर डिराइव कर सकता है आफ्टर यूजिंग इट। तो प्रोडक्ट को कस्टमर यूज करेगा और उसके थ्रू देख सकता है कि प्रोडक्ट वैल्यूएबल है उसके लिए नहीं है, ठीक है। तो यू बी कैन से कि जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो फाइनल यूजर के थ्रू या तो आपकी क्रिएट की जा सकती है या कंसीडर की जा सकती है। लेकिन सर्विसेज के केस में जो वैल्यू है सर्विस की, वो सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू ही ऑफर की जाती है। सर्विस प्रोवाइडर किस तरीके से आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा और किस तरीके से आप उस सर्विस को कंसीडर करेंगे, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो वैल्यू ऑफ अ सर्विस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर। तो सर्विस के केस में जो वैल्यू है वो सेपरेट नहीं की जा सकती सर्विस प्रोवाइडर में, बट जो प्रोडक्ट है उसके केस में प्रोडक्ट के थ्रू कस्टमर क्या कर सकता है, जो वैल्यू है प्रोडक्ट की वो डिटरमाइन या फिर क्रिएट कर सकता है। लेकिन सर्विस के केस में जब तक सर्विस प्रोवाइडर है आपका तो एक वैल्यू रहेगी, जब सर्विस प्रोवाइडर नहीं होगा तो आपकी वो वैल्यू नहीं रहेगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर सर्विस। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डॉक्टर बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करता है, ठीक है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, आप सिक हुए, आपको इलनेस हुई किसी तरह की और आप उस डॉक्टर के पास जाते हैं, बट दैट डॉक्टर इज नॉट अवेलेबल। तो आप किसी और दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं बिकॉज योर पर्टिकुलर डॉक्टर इज नॉट अवेलेबल। तो उस केस में आपका हो सकता है कि आप जो सर्विस अवेल करें दूसरे डॉक्टर की, या तो वो अच्छी हो आपकी एक्सपेक्टेशन से या नहीं हो। अच्छी हुई तो आपको पे करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अच्छी नहीं हुई तो यू विल थिंक यार ये तो बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा है। तो ऐसी चीजें होती हैं सर्विसेज के साथ में कि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो सकती और सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू आपकी जो वैल्यू है वो क्रिएट होती है, उसी के थ्रू आइडेंटिफाई की जा सकती है, और वैल्यू जो है वो सर्विस प्रोवाइडर के यू नो सेपरेशन में आप क्रिएट नहीं कर सकते। तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट्स जो थे डिफरेंसेस के आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और बाकी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोज भी आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय, टेक केयर।